ऐसे जितने साफ और सपोले हैं, मैं समझता हूं इनको इस वक्त समझने का सही समय है। कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा हमारे खिलाफ है और हमारे साथ किस तरीके की दुर्दशा कर रही है, किस तरीके से हमारी गति को खराब कर रही है। और आने वाले चुनावों में हमें एकजुट होकर, एकमत होकर, संगठित होकर उस पार्टी के को निश्चय नाबूद करना है, उस पार्टी को इस देश से चलता करना है। अगर इस बार ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस सरकार, विश्व हिंदू परिषद की सरकार, बजरंग दल की सरकार, दुर्गा वाहिनी की सरकार, हिंदू मंच की सरकार अगर आ गई तो आप समझ लीजिए देश का बेड़ा गर्क होगा। हमें इसे हटाना है। चाहे वो जातिगत आरक्षण की बात हो, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा की बात हो, चाहे वो हकमारी की बात हो, लेकिन इन सबका मैं समझता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा। और इस वक्त ये बहुत ही सही और करारा समय है हम सब लोगों के लिए कि जब देश में आम चुनाव आ रहा है, और आम चुनाव जब आ रहा है तो ये भी सब लोगों ने समझ लिया है, और मैं समझता हूँ जिन्होंने नहीं समझा वो समझ ले कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई खतरा है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को है। और संविधान नहीं बचेगा तो मैं समझता हूँ इस देश के मूल निवासी फिर दोबारा उसी बदतर हालत में आ जाएंगे। तो इसका एक सलूशन मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि हमें सबसे पहले अपने दुश्मन को समझना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा हमारे खिलाफ है और हमारे साथ किस तरीके की दुर्दशा कर रही है, किस तरीके से हमारी गति को खराब कर रही है। और आने वाले चुनावों में हमें एकजुट होकर, एकमत होकर, संगठित होकर उस पार्टी के को निश्चय नाबूद करना है, उस पार्टी को इस देश से चलता करना है। तभी चाहे वो हमारे हकमारी की बात हो, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो ठेकेदारी की बात हो, या और अनेक मुद्दे हो, दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, माइनॉरिटीज के, सीए के, एनआरसी के, इन सब मुद्दों को मैं समझता हूँ केवल एक ही बात से करारा तोड़ मिल सकता है। चाहे ईवीएम की भी बात अगर हमारे कुछ साथी अभी कर रहे थे तो ईवीएम मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को हम हटा पाएंगे। चंद आंदोलन हम जरूर कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में देखी तो कितनी उदासीनता है। कुछ संगठन हमारे ईवीएम पे शोर कर रहे हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुप बैठी है, उनके मुंह में तो दही जमी हुई है। और कुछ लोग मैं समझता हूँ कि इन जो पार्टियों में भी जो भी एक गठबंधन बनाया गया था इसमें भी कुछ इस तरीके के लोग हैं जो कि निक्कर पहने हुए हैं या अंदर पहना हुआ जिनका दिख नहीं रहा। नीतीश कुमार का तो दिख गया और दूसरा ये केजरीवाल है। जब इस केजरीवाल को भी मैं समझता हूँ सब लोग एक्सपोज करने की जरूरत है। इस व्यक्ति ने हमारा अम्बेडकर रत्न अवार्ड बंद कर दिया, इस व्यक्ति ने स्कॉलरशिप बंद कर दी, इस व्यक्ति ने सब प्लान का पैसा ट्रांसफर कर ये बसों में और बिजली में ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे जितने साफ और सपोले हैं मैं समझता हूँ इनको इस वक्त समझने का सही समय है। और एक बात और कहूंगा कि जैसे प्रोफेसर रतनलाल जी बैठे हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण जी बैठे हैं, रितु बैठी है, ऐसे 5-10 और 20 प्रोफेसर रखने चाहिए, इनकी प्रमोशन रुकनी चाहिए। क्योंकि जब ये लोग कहीं ना कहीं त्रस्त और ग्रस्त होंगे इस व्यवस्था से तो ये इस संगठनों में आएंगे, इन कार्यक्रमों में आएंगे, समाज की आवाज उठाएंगे। अभी मैं समझता हूँ मोदी सरकार को कुछ और अत्याचार दुराचार और करना चाहिए जिससे समाज में लड़ने वालों की ताकत बढ़ सके, क्योंकि समय की बहुत अभाव है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार फिर प्रण कर लीजिए, अगर इस बार ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस सरकार, विश्व हिंदू परिषद की सरकार, बजरंग दल की सरकार, दुर्गा वाहिनी की सरकार, हिंदू मंच की सरकार अगर आ गई तो आप समझ लीजिए देश का बेड़ा गर्क होगा। हमें इसे हटाना है। अगर ये इस बार नहीं हटी तो देश का संविधान हट जाएगा। मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का, जिन्होंने मुझे बुलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।